हरे कृष्णा। आप सबको नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं देते हुए देखते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 2020 ये पूरा साल कैसा रहेगा। मैंने 4 ओरेकल डेक्स यूज़ किए हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या कहती हैं। पहला कार्ड है हार्डवर्क, तो आप पूरे साल में बहुत सारा हार्डवर्क करेंगे और ये हार्डवर्क आपको समय समय पर पे ऑफ भी करेगा और ये एक अच्छी बात है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका ग्रोथ, तो जैसे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी सैलरी जो है उसमें आपको हाइक मिल सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें और पैसा आपको मिल सकता है। आर्ट, कला के क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। अगर आपकी हॉबी है तो आप हॉबी में इंटरेस्ट लेंगे और इसको और बढ़ाएंगे। कुछ लोग अपनी हॉबी के ऊपर ही बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपर्टीज, जैसे हम कहते हैं कि मास्टरी, तो आपको कई सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज मिलेगी और आप वो चीज़ें करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। लीडरशिप, जो एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की, वो आपको मिलेगी और आप अच्छी तरह से लीडरशिप निभा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस आपको मिलेगी, तो उसमें से कुछ चॉइसेस आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है पूरे साल भर में और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे शिद्दत से निभा सकते हैं। हमने कार्ड देखे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जैसे आपको मतलब इम्पोर्टेंस मिल सकते हैं। टॉलरेंस, सहनशीलता जो है आपकी वो बढ़ती जाएगी और आप सहन करेंगे और रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या कहती हैं। बेपनाह, आप बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करेंगे अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, अपने प्यार करने वालों से, और उनसे जो नाता है वो अच्छी तरह से निभाएंगे। तकरार, थोड़ी सी छोटी मोटी तकरार हो सकती है पूरे साल में, तो उसके लिए बस आप सावधानी बरतें और अपने बोलने पर संयम रखें। हसीना, आपकी जो चाहने वाली हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर आप प्यार में पहले से ही हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। इकरार, तो कई सारी जगह से आपको इकरार मिलेगा, जो आपके काम नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे और पॉजिटिविटी जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। हौसला, आपको हौसला रखने की ज़रूरत है, थोड़े पेशेंस रखना ज़रूरी है आपको। आपके कार्ड होने वाले हैं लेकिन थोड़ा उनको समय लग सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल। फोकस, आप फोकस रहेंगे पूरे लाइफ में, पूरे नए साल में, और फोकस रहते हुए आप काम करेंगे जिसका नतीजा आपको बहुत ही अच्छा फल मिल सकता है। प्रिपेयर, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो आपको कोई इंटरव्यू देना है या तो आपको कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है, जैसे कि नया बिजनेस हो, नया जॉब हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप आपके लिए मायने रहेगी और जब जब आपको फ्रेंडशिप की ज़रूरत है तब तब आपके दोस्त आपका साथ निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑलमोस्ट रीच्ड, तो आप बस मंजिल तक पहुँचने ही वाले हैं, बस मंजिल की तरफ जाने की देर है, तो आप बहुत सारी कोशिशें करेंगे और वो कोशिशें अमल में भी ज़रूर लाएंगे। टुगेदरनेस, तो साथ जो होता है एक दूसरे का वो आप ज़रूर निभाएंगे और साथ निभाते हुए आपको प्यार का एक मीठा एहसास भी होता रहेगा। मीट समवन, तो आप किसी भाग्यशाली से मिलेंगे, अपने प्रियजन से मिल सकते हैं और आपकी लाइफ जो है वो और खूबसूरत हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपके रंग और खिल सकते हैं। अमेजिंग मैसेजेस, आपसे जो प्यार करने वाले हैं, आपके लवर हैं, वो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस देंगे और उनसे काफ़ी कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को और शेयर करने को मिल जाएगी। कॉल एज सून एज पॉसिबल, कॉल के इम्पोर्टेंस रहेंगे और आप बहुत सारे लोगों को समय समय पर कॉल करते जाएंगे। मैनिपुलेटिंग, तो कुछ रिलेशनशिप ऐसी होंगी जहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकता है, या तो आपके साइड से या तो उनके साइड से। से हेलो, तो आपसे जो प्यार करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि आप उनसे बातें करें और बातें करते हुए आगे बढ़ते जाएं। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉरगेट कर चुके हैं, जैसे कोई वॉलेट हो, चाबी हो, या फिर कुछ रिश्ते हो, कुछ दोस्त हो, तो उनकी याद आपको आएगी और आप वापस से उनसे जुड़ जाएंगे। ट्रिंग ट्रिंग,
तो आपसे जो कनेक्शन है वो अच्छा रहेगा दोस्तों का, और आप दोस्तों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उनसे दोस्ती और गहरी हो सकती है। मूडी, तो आप मूडी रहेंगे पूरे साल भर में और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाइक राइड, तो जब आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो बाइक राइड आप कर सकते हैं और बाइक राइड में आपको काफ़ी मज़ा आ सकता है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, आने वाला अगला साल आपके लिए शुभ रहे।